हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई सामान खरीद किया हुआ जो सामान है वो रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी भी दुकानदार से आप कोई सामान लेकर के जाते हैं तो आगे आप जैसे कि घर पहुंचते पहुंचते वो सामान आपको मतलब पसंद ना हो या आगे उस सामान की ज़रूरत ना हो तो ऐसे कंडीशन में आप उस सामान को रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न की प्रक्रिया जो होती है वो आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक्सचेंज कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लीजिए। जैसा कि कोई सामान आप लेकर के गए, उसमें कोई कलर वगैरह जो है से कि पसंद नहीं आते हैं आपको, कलर वगैरह जो है से कि कोई दूसरा बदलना हो तो आप उस कलर को बदल सकते हैं। उसी सामान जो सामान का जो आपने दाम पे किए हुआ था, जिस सामान का कीमत आपने पे किया हुआ था, उसी सामान के कीमत के बराबर का कोई आइटम आप एक्सचेंज करके घर ले जा सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। अगर ये एक्सचेंज कर लेते हैं विथ बिल, जो दुकानदार जो विक्रेता आपको मतलब बेचने के समय में जो बिल दिया होगा उस बिल को ले जा करके आप वहाँ पर जो ऐसे कि एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सामान को, जैसे कि रंग ना पसंद हो या आगे उस सामान की ज़रूरत ना हो तो ऐसे चीज़ें को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको अगर आप पूरा करेंगे तो रिटर्न भी हो सकता है, मतलब आप उस सामान के बदले दुकानदार से पैसे वापस ले सकते हैं। तो आइए एक समझिए कैसे कंडीशन में आप जो है कि दुकानदार को सामान रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि जो भी सामान आप खरीद करके ले करके गए हुए हैं उसकी गुणस्तर या उसकी परिमाण में कोई भी मतलब ऊपर नीचे वो जो है कि नहीं होना चाहिए। मान के चलिए अगर किराना के दुकान में आप 1 किलो चीनी लिए हुए हैं और रिटर्न करते वक्त आपका चीनी वहाँ पे केवल 900 ग्राम हो रहा है तो वो दुकानदार रिटर्न नहीं करेगा। आप 1 किलो लेकर के गए हुए थे तो 1 किलो चीनी ही रिटर्न करेगा, वही प्रावधान होता है। फिर अगला सिस्टम की हम बात करते हैं तो अगले सिस्टम में ये होता है कि कोई सामान अगर सीलबंदी किया गया है, जैसे कि कोई डिब्बा में बंद है कोई आइटम, तो उस डिब्बे का जो सील तोड़ते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर पे आप जो सिरप वगैरह खरीदते हैं जो कि बोतल में बंद रहती हैं जो दवाइयाँ, उस दवाई में सील लगा होता है, अगर उस दवाई का सील अगर तोड़ दिए खोल दिए तो वहाँ पर वो दवाई जो है सी वो रिटर्न नहीं हो सकता है। ऐसे सिस्टम होते हैं जैसे कि दुकानदार आपको बेचते वक्त जो है कि सील बंद करके दिए हुआ है, सील बंदी में कोई आइटम है, अगर घर ले जा करके आप सील खोल करके उसमें चेक चाक करते हैं, कुछ देखते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और फिर बाद में चाहें कि आप उसको रिटर्न करें तो ऐसे कंडीशन में भी रिटर्न नहीं हो सकता है वो सामान। तो फिर अगला पॉइंट हम समझते हैं। तो अगला पॉइंट में क्या होता है कि कोई अगर मीट मछली जो है से कि दूध वगैरह जो है, अंडा वगैरह जो है, जो सड़ने गलने वाली जो चीज़ें होती है जो आपको 2-3 दिन में उपयोग कर लेना है, वैसे चीज़ों को आप जो है कि सड़ा गला करके लेकर के जाएंगे तो वैसे चीज़ें जो है ऐसे कि रिटर्न नहीं होंगी। ये खाने पीने की चीज़ है कि इसको तुरंत उपभोग कर लेना चाहिए आदमी को। तो यहाँ पर अगली चीज़ हम बात करें तो अगली चीज़ में क्या होता है कि कोई आइटम का जो है ऐसे कि निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होता है, उस अवधि के अंदर में आपको उस सामान का उपयोग कर लेना है, उपभोग कर लेना है, तो अगर उसका डेट ख़त्म हो जाता है, उसका डेट एक्सपायर हो जाता है तो ऐसी चीज़ें भी मतलब आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। भले ही 1 हफ्ते के अंदर में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको 1 दिन पहले भी अगर उस चीज़ का डेट एक्सपायर हो गया है तो वो आप नहीं रिटर्न कर सकते हैं। तो अगली पॉइंट की हम बात करें तो अगली पॉइंट में जैसे कि मेरे जो फैब्रिक वाले आइटम हैं, ये फैब्रिक का आइटम जो थान का जो आइटम होता है वो अगर चाहें अगर आदमी पूरा थान ले करके जाए, अगर उसको ज़रूरत ना हो तो वो एक्सचेंज या रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन थान से जो आइटम कट गया, मैं उसको कैंची लगा करके काट काट करके पीस पीस कर दिया तो वैसे चीज़ ना ही एक्सचेंज होंगे और ना ही रिटर्न होंगे। ये किसी भी दुकानदार के पास क्यों ना हो, क्योंकि वो उसका साइज़ बिगड़ जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। अगर चाहें अगर ऐसे चीज़ जैसे कि ऐसा मेरे पास से कोई अगर ये सूती का साड़ी वगैरह लेकर के जाता है, ये पीला कलर का उसको पसंद नहीं आता है, तो चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर में मेरे द्वारा दिए गए बिल के साथ साथ वो बदल करके किसी दूसरे कलर का ले जा सकता है, इस कलर का ले जा सकता है, लाल कलर का ले जा सकता है, इसी मतलब मूल्य के बराबर का जो सामान है वो लेकर के जा सकता है। या इसमें अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा, जैसा मैंने उसको दिए हुआ था वैसा ही अगर पैकिंग के साथ में लेकर के आता है तो 1 हफ्ते के अंदर मैंने जो उसको बिल प्रोवाइड किया हुआ है उस बिल के साथ में अगर वो आते हैं तो उसको 1 हफ्ते के अंदर में हमें अगर उसको पसंद नहीं है तो हमें पैसा भी रिटर्न करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन मतलब कई ऐसे क्राइटेरिया है जिसको पूरा करके अगर आप चाहें अगर एक दुकानदार है तो उसको रिटर्न भी देना पड़ सकता है पैसा वगैरह। तो ऐसे कानून के दायरे में रह करके आप रिटर्न या एक्सचेंज करते हैं तो फिर ठीक है, अगर
कोई ग्राहक आपसे जोर जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर जो है कि कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, या आप ग्राहक के हक में हैं अगर इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं और कोई दुकानदार आपसे रिटर्न नहीं ले रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है कोई दुकानदार आपकी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जो चीज़ लेकर के गए हुए हैं 7 दिन के अंदर में बिल के साथ में रिटर्न कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई मुश्किल में पड़ सकते हैं, कानून की प्रक्रिया जो है से कि वो आगे बढ़ सकती है। तो होप आपका जो है से कि जो भी झगड़े वगैरह होते हैं ग्राहक और दुकानदार के बीच में, इस वीडियो को देखने के बाद में मतलब थोड़ी बहुत जो है समझ आपकी आई होगी, चाहे आप दुकानदार हो या चाहे आप एक ग्राहक हो, क्योंकि ग्राहक भी कई मतलब ग्राहक की किस्में भी कई तरह के होते हैं। लेकर के गए कुछ और उसको मतलब खोल खाल करके इधर उधर करके उसको ऐसे मतलब पैक करेंगे कि मतलब उसको देखते मात्र आपको गुस्सा आ जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ होते हैं। तो उसको सील जैसा आप दुकानदार दिए हुआ है, जिस भी कंडीशन में दुकानदार दिया है आपको, उसी कंडीशन में उसको रिटर्न कीजिए, तभी जा करके आपका रिटर्न सक्सेस हो पाएगा, वरना आप कितना भी चिल्लाइएगा कानून का सहारा लीजिएगा नहीं हो पाएगा। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका डाउट वगैरह क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।